हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह शिक्षा धाम से। काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेरी था, डाउट था कि सर पर्सनल टैक्स प्लानिंग का हमें नोट्स दीजिए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग के नोट्स तैयार हो चुके हैं, करेक्शन लगने सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, लेकिन एग्ज़ाम बहुत पास आए, बहुत बच्चों के कि हमारे 10 दिन बचे 15 दिन, इसी वजह से 10 ईयर तो अब नहीं आएगा मार्केट में। तो अब क्या करें, मुझे कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालना था। तो मैंने फटाफट से जो मेरे पास मंडे मैंने कमिटमेंट किया था कि आएगा, लेकिन मंडे और ट्यूसडे मैं खुद ही काफ़ी परेशान था कि मैं कमिटमेंट कर चुका हूं तो बच्चों को कहीं ना कहीं से तो देना है। मंडे ट्यूसडे मैंने पूरी टीम बिठाई, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, उसके अंदर पूरे नोट्स को क्या करें मैंने टाइप करवाया, टाइप करवा के ई बुक फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट करवा दिया। सर अब ई बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा दिया तो आपको मैं बता दूँ, सिंपल सी बात है, यानी आपको यहाँ पे ई बुक मिलने वाला है एप्लीकेशन में। इससे जल्दी मेरे पास भेजने का ना कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आपके पेपर 20 दिन बाद है, इससे जल्दी नहीं है। प्लस ई बुक के साथ मैंने यही कोशिश किया है कि आपको थोड़े से वीडियो भी दे दिए जाए, थोड़े से वीडियो। सर वीडियो कितने चैप्टर के, सिर्फ 3 चैप्टर के, जल्दी जल्दी देखो, मेरे पास में ना बहुत कम टाइम बच रहा है, आप भी समझ रहे हो। कॉस्ट का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट का भी कर रहा हूँ, और साथ के साथ फिर कुछ पेपर भी आ रहे हैं बच्चों के 12th वगैरह के, उनके ऊपर भी मेरा सारा फोकस्ड है। तो मैंने 3 चैप्टर, बेसिक वाला चैप्टर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, बहुत बेसिक जो कि आता है एग्जाम में, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी। कुछ बच्चे कहेंगे सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, 3 चैप्टर हैं जिसमें से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, या कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी, एक है आपका सैलरी, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रैक्टिकल, और बाकी के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी के ऊपर। थ्योरी अच्छे से लर्न करना, थ्योरी के नोट्स मैं बना दूंगा, उसी थ्योरी में से आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। अभी नोट्स मैंने बनाए नहीं, फिलहाल मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा एक तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इसका, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चार्ट वार्ट बना के सारी चीज़ें रेडी करवाई जल्दी जल्दी। अब बात आती है सर मेरी कॉस्टिंग तो इसमें लगी है, तो इसका फिर हमने डिसाइड किया कि प्राइस रखना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि काफ़ी सारी कॉस्टिंग लग गई, तो प्राइस रखे तो रखे कितना, तो मैंने कहा कि सस्ता प्राइस होना चाहिए। तो सस्ते का कोई डेफिनेशन नहीं होता, सस्ता कोई डेफिनेशन नहीं होता, तो कम से कम प्राइस पे रखने की मैंने कोशिश करी। तो आप इसको एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जब जाएंगे आप तो एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको ये कोर्स मिल जाएगा स्टोर में। कैसे बाय करना है मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे एंड्रॉयड का बच्चा हो चाहे iOS का, वेबसाइट पे नहीं चलेगा ये। सर कितना प्राइस रखा, मात्र आपके लिए 30 रुपीज, इससे सस्ता क्या होगा, और इसमें 1 या 2 रुपए का टैक्स होगा, इसमें GST भी लगता है, वो तो हमारा इंटरनल रहता है। तो 30 रुपीज में आपको वीडियोस प्लस नोट्स, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी बताऊं। तो मुझे आपको यही इंटीमेट करना है, एप्लीकेशन सभी बच्चों ने लगभग लगभग डाउनलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा आप लोग जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे आपको बाय करना है उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय कोर्सेस, जाना है बाय करना है, पेमेंट करने के सारे मेथड्स हैं, आप चाहे फोन पे गूगल पे किसी के भी नंबर से पेमेंट करवा सकते हैं। तो बस यही इंटीमेट करवाना था, बहुत मेहनत लगी है, आप देखोगे नोट्स को तो आप खुद जज करोगे कि हाँ जी सर बहुत मेहनत लगी है इसमें, आप फटाफट से पढ़िए, नोटिंग करिए, और बस यही इंटीमेट करना था, थैंक यू सो मच। तो 10 ईयर या हार्ड कॉपी तो अवेलेबल होना मुश्किल हो रहा था, आप सब पेपर जून में दे रहे हो तो आपके लिए मैंने क्या करा, ये अवेलेबल करवा दिया। हाँ जो बच्चे अगस्त में देंगे डेफिनेटली उसके लिए 10 ईयर प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम है। अगर मैं 10 ईयर के चक्कर में पड़ता तो आप भी समझ सकते हो 4 से 5 दिन और लग जाते मुझे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते, हाँ ना करते करते, जब 4 से 5 दिन लग जाते तो सो दैट होता क्या, आगे चल के फिर आप तक पहुंचने में वही 3 से 4 दिन पहले मिलता, लेकिन एटलीस्ट अभी 10 से 15 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फटाफट करिए। इसलिए एक मिनिमम कॉस्ट जो कॉस्टिंग आई है, सारे स्टाफ में कॉस्टिंग तो बहुत सारे आई हैं, तो जितने बच्चे खरीदेंगे जो भी रिकवर हो 50% मैं बियर कर लूँगा, बाकी 50% मैं सोच रहा हूँ जो भी स्टूडेंट से रिकवर हो जाए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको बस यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नोट्स के साथ, थैंक यू सो मच।